सर्दियों में शरीर का खास और काफी ध्यान देने की जरूरत है। सर्दियों में गर्म कपड़े भले ही आपके शरीर को गर्म रखते हों, लेकिन अंदर से शरीर को गर्म रखना भी काफी जरूरी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कैसे शरीर को अंदर से गर्म रखा जाए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर हम आपसे ये कहें कि आपका खान पान ही आपको अंदर से गर्म रखता है, तो शायद आप यकीन न करें, लेकिन वाकई ये सच है। खाने पीने की कई ऐसी चीजें हैं जिनका सेवन करके आप अपने शरीर को अंदरूनी रूप से गर्म रख सकते हैं। चलिए जाने क्या है वो पांच चीज जिनको आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। खजूर। आपको सर्दियों में खजूर का सेवन जरूर करना चाहिए। खजूर में विटामिन ए और बी काफी पाया जाता है। खजूर की तासीर गर्म होती है, जिससे ठंड में आराम मिलता है। इससे हमारा शरीर अंदर से गर्म रहता है। तिल। सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए आपको तिल का सेवन भी करना चाहिए। तिल की तासीर गर्म होती है, इसलिए ठंड में तिल खाना काफी फायदेमंद होता है। तिल में मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड और एंटी बैक्टीरियल मिनरल्स पाए जाते हैं, जिससे शरीर को कई तरह के फायदे भी मिलते हैं। मूंगफली। सर्दियों में आपको जगह जगह मूंगफली बिकती नजर आएगी। आपको मूंगफली जरूर खानी चाहिए। इसमें प्रोटीन और हेल्दी फैट के साथ कई विटामिन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। गाजर। गाजर दिल, दिमाग, नस और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद होती है। गाजर में विटामिन के भी पाया जाता है। गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है, जो आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है। गुड़। सर्दियों में गुड़ पेट और शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है। गुड़ खाने से मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। गुड़ में आयरन होता है, जिससे अनीमिया जैसी समस्याएं कम हो जाती है। सर्दियों में गुड़ शरीर में गर्माहट भी लाता है।